तो आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ DDLJ वाली मूवी, जिसका मैंने रिव्यू कम स्टोरी किया था, यानी कि DDLJ इन ए नटशेल, अगर वो वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखी तो वो इसका थंबनेल है, अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो वो वीडियो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। नॉट इंटरेस्टेड। आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली द बिगनिंग की, द बिगनिंग यानी कि फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमें द लेजेंडरी क्वेश्चन मिला था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो आज हम उस क्वेश्चन को तो डील नहीं कर सकते क्योंकि उसका आंसर हमें मिला था सेकंड पार्ट में, तो लेकिन हम बाहुबली द बिगनिंग की स्टोरी जानने वाले हैं। वैसे आई बिलीव कि आप में से ज्यादातर लोगों ने वो मूवी देख ली होगी, लेकिन फिर भी चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब एक बूढ़ी औरत, विच इज नॉट बूढ़ी एट ऑल क्योंकि आई डोंट नो, सो एक बूढ़ी औरत एक बच्चे को गोद में लेके, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है आई थिंक, गंगा नदी से, आई डोंट नो हाउ दिस गंगा नदी बिकॉज आई हैव नेवर सीन दिस मच गंगा नदी। तो गंगा नदी से एक पहाड़ से होते हुए नीचे आती है इस बच्चे को बचाने के लिए, और इनके पीछे दो सैनिक उसी गुफा से इनके पीछे करते करते आते हैं, और ये माताजी बड़ी ही चालाकी से उनको मार देती हैं। ओह माय गॉड, वाओ, दिस वाज एपिक आई मस्ट से। उसके बाद ये माताजी किसी तरह फिसल जाती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती हैं, और ये पानी में डूबने लग जाती हैं क्योंकि पानी अपने आप राइज कर रहा होता है पता नहीं क्यों। तो पानी राइज करते करते इतना ऊपर पहुंच जाता है कि ये खुद डूब जाती हैं, लेकिन बच्चे को इस तरीके से पानी के ऊपर बचाए रखती हैं। Stop it. Get some help. और फिर वहीं जो आसपास आदिवासी आई थिंक लोग रहते हैं वो इस बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अम्मा को नहीं बचा पाते। आई थिंक इस बंदे को पहले अम्मा का हाथ पकड़ना चाहिए था ना। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन इस बच्चे को हमेशा ये क्यों करता रहता है कि आखिर इस पहाड़ के ऊपर क्या है, क्योंकि क्योंकि इसको वहां से आवाज आती रहती है। अब फैसला अनु मलिक के हाथ में। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इस बच्चे को बहुत ज्यादा ये कीड़ा काटता रहता है कि मैं ऊपर चढ़ूं और देखूं कि उस पहाड़ के ऊपर क्या है। सो ये बचपन से ही उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस करता रहता है, और ये पहाड़ इतना ज्यादा स्लिपरी होता है कि ये अभी तक 150-200 बार उस पहाड़ से गिर चुका है। आई मीन ऊपर से पानी टपक रहा है ना, आई मीन पानी आ रहा है ना, जो भी है, बट मजा आया। तो ये जो है बार बार उस पहाड़ से गिरता है, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने का ट्राई करता रहता है, और इसकी माँ ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसकी माँ को पता है कि ये ऊपर से ही आया, लेकिन वापस उसको ऊपर नहीं जाने देगी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सीरियसली, व्हाट द फक आर यू डूइंग। उसके बाद ये बड़ा होके ये बन जाता है, मे भी पहाड़ चढ़ने से ऐसा ही होता होगा। इसकी माँ इस बात से इतनी ज्यादा दुखी होती है कि ये अपने लोकल पंडित जी से बात करके एक पूजा करती है शिव जी की, जिसमें इतने बड़े शिवलिंग को, विच इज पत्थर का, इसका मतलब ये जो है कम से कम 200-250 किलो का तो होगा ना यार, इसे कोई भी इंसान फिजिकली उठा ही नहीं सकता, चाहे वो बाहुबली हो या कोई भी हो, लेकिन फिर भी दिस स्टोरी सेज कि ये बंदा इसको पहली बात तो एक वार से इस शिवलिंग को तोड़ देता है, एंड देन उठा के Thank you.
झरने के ऊपर से यानी कि पहाड़ के ऊपर से व्हाटएवर झरना या पहाड़ उसके ऊपर से एक मुखौटा गिरता है जो कि बाहुबली के हाथ में आता है सीधा, जो कि बाहुबली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो बाहुबली है। देन वो उस मुखौटे को लेके सोचता था कि ये किसका होगा, और उस मुखौटे से ये भी नहीं पता लग रहा है कि वो मुखौटा एक लड़की का है, लड़के का है, जानवर का है, पता नहीं किस चीज का है, लेकिन फिर भी उस मुखौटे को लेके बहुत ज्यादा सेडक्टिव हो जाता है। एंड देन उस मुखौटे से एंड टेलिंग यू मल्टी टैलेंटेड है ये। देन वो सिर्फ इस लिटरली इस चीज से उसे ये पता लग जाता है कि ये लड़की ऐसी दिखती है, मतलब सब कुछ लाइक एवरीथिंग यू कैन सी लाइक व्हाटएवर। तो इस लड़की का पीछा करते करते विच इज इमेजिनरी, अभी तक वो लड़की इमेजिनरी है, फिर भी ये उस लड़की का पीछा करते करते पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। एंड देन वहाँ उसे पता लगता है कि ये लड़की जो है एक्चुअली एक वॉरियर है, एंड देन ये लड़की जो है एक ऐसे आतंकवादी ग्रुप का की मेंबर है जो कि देशद्रोही है। लिटरली इसको यही दिखा था, बट स्टिल प्यार अंधा होता है। एंड देन ये इस लड़की का मेकअप कर देता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। This doesn't make sense यार। उसके बाद ये लड़की भी इससे प्यार करने लग जाती है, और ये अपना काम एक औरत को छुड़ाने का, महल से भगाने का काम इसको दे देती है, बिकॉज why not? उसके बाद इसको ना पता होता है कि वो औरत कहाँ है, क्या है, कैसी है, लेकिन वो महल के अंदर घुस जाता है जहाँ पे लोग इसकी शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि ये अपने बाप जैसा ही दिखता है, यानी कि ये बाहुबली का बेटा ही है। यस, ये खुद बाहुबली नहीं है लेकिन इसे भी बाहुबली कहते हैं क्योंकि ये बाहुबली का बेटा है। सो बाहुबली का बेटा इज इक्वल टू बाहुबली, क्योंकि बाहुबली जो है महेंद्र बाहुबली का टाइटल था, महेंद्र आई थिंक। उसके बाद सारे लोग इसकी जय जयकार करने लगते हैं। उसके बाद ये उस पुतले को बचा के महल में इधर उधर कूद फान करके छुपते छुपाते इसकी नजरों के सामने से आके और वापस से गायब होके इसकी चेन तोड़ के इसे रथ में बिठा के घोड़े को दौड़ा के रथ को जलते हुए भगाते भगाते कीचड़ में गिर के इसे फाइनली बचा लेता है, जहाँ पे इसकी तरफ के भी लोग आ जाते हैं और इसके जो आदिवासी माँ बाप थे वो भी आ जाते हैं, जहाँ पे इसे फाइनली पता लगता है कि ये एक राजा है एंड इसे पीछे की स्टोरीज पता लगती हैं। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, कितना पैसा मारू हूँ मैं? माँ मैकडी जा रही है, केएफसी जा, हम लोग अमीर हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे अमीर जन्म दिए। सो एक्चुअली बाहुबली के बेटे यानी इस वाले बाहुबली की स्टोरी यहीं तक थी। इसके बाद हमें मूवी में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो एक्चुअली होता है इसके बाप यानी महेंद्र बाहुबली की स्टोरी, जो कि हम करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जैसे कि मैंने DDLJ वाली मूवी में कहा, वीडियो में कहा था कि कमेंट में बोल देना कि हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो भी मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है और वीडियो ज़्यादा लंबी मैं करूँगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। ओए भाई, तेरा बुगा लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा, बड़ा ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा का अंगना में लेके अपना गोदी में हार पार देगा, मेरा बस्ती का लड़का लोग।